एक जिले में अपनी संगठन खड़ा करेगा और आने वाले चुनाव में हम लोग बंगाल में चुनाव में भी जाने वाले हैं। सर 11 राज्य में हम लोगों ने जो मतलब जिसकी सूचना हमें मिली है कि नए लोगों को लिया जा रहा है संगठन में, इस बारे में कुछ बताएं। 11 राज्य नहीं, हिंदुस्तान के 21 राज्यों में हम लोगों ने टीम का गठन कर लिया है। और बिहार अभी इस मामले में सबसे आगे है, क्योंकि बिहार में 534 ब्लॉक्स में से 300 ब्लॉक्स में भी टीम बन चुकी है। हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। हम लोगों का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व हम लोगों का मेन एजेंडा है, जो हम सावरकर जी ने हम लोगों के लिए जो धाती को छोड़ कर गए हैं, उस धाती पर आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। सर रामनवमी के दिन कुछ हिंसक घटनाएं घटी हैं, उस बारे में अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें। रामनवमी ही नहीं, भारतवर्ष के अंदर हर हिंदू पर्व के अंदर शांति दूत पत्थर फेंकते हैं, और जो शांति दूत के सहयोगी जो पार्टियां हैं वह पार्टी उनको सपोर्ट करता है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने जो कार्य किया वह कार्य निंदनीय है, अशोभनीय है और डेमोक्रेटिक नहीं है। क्या भारतवर्ष में रामनवमी मनाना पाप है? क्या भारतवर्ष में हिंदुओं को पर्व मनाना पाप है? क्या सिर्फ मुहर्रम मनाना है भारत के अंदर? तो ममता बनर्जी, बंगाल को इस्लामीकरण कर दीजिए। बंगाल हिंदुत्व का हिंदू कराने का जगह नहीं है। जिस तरह से अत्याचार यहूदियों के ऊपर मुसलमानों ने यरूशलम के अंदर किया, उससे ज़्यादा अत्याचार आज भारतवर्ष के अंदर बंगाल के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिहादियों ने कर रखा है। आपको रहने के लिए पैसा देना पड़ेगा, हिंदू को बेटियों को सुरक्षा के लिए पैसा देना पड़ेगा। यह घृणित है, निंदनीय है, अति निंदनीय है, या किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक नहीं है। अब ममता बनर्जी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। सर जयदीप दा नए नए अध्यक्ष बने हैं, तो संगठन की ओर से किस तरह का दायित्व उन पर दिया जा रहा है? जयदीप जी को बंगाल का अध्यक्ष पद का दायित्व उनको मिला है। बंगाल का नेतृत्व अखिल भारत हिंदू महासभा का जयदीप जी करेंगे, और उनके नेतृत्व में हम आशा करते हैं कि बंगाल के अंदर टीम मजबूत होगा और बंगाल के अंदर हम लोग पुरजोर ढंग से अपनी संगठन को खड़ा करेंगे और जिहादियों के खिलाफ लड़ाई हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर आपके जितने भी अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के ऊपर आप अडिग रहे हैं, जात पात को हटाइए और हिंदुत्ववादी बनिए। यह हमारा संदेश है आपके माध्यम से अपने सारे हिंदुवादी भाइयों के लिए। सर आगे आपको लोगों का बंगाल में कार्यक्रम क्या होगा? कार्यक्रम हम लोग निर्धारित कर रहे हैं, और हम लोग संगठनात्मक कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और संगठन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और भविष्य में फिर अगले 2 महीने के अंदर जब हम लोग कार्यक्रम करेंगे तो हम लोगों का तैयारी आगे की प्रारंभ हो चुकी है। कोलकाता में या पूरा बंगाल? पूरे बंगाल में। आप आज भी सभागार के अंदर बंगाल के अलग अलग जिलों से लोग आए हैं, बांकुड़ा जैसे जिलों से काफ़ी दूर से भी लोग आए हैं, तो हर जगह मुर्शिदाबाद से आए हैं, हर जगह से हैं। तो 24 जिला के अंदर से टीम खड़ी की जाएगी और हम लोग मजबूती से बंगाल के अंदर चुनाव भी लड़ेंगे और जिहादियों के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे। ठीक है।